हल्द्वानी नगर निगम में शुक्रवार को आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने नगर निगम की बेहतरी के लिए अपनी प्राथमिकता बताई और कहा कि हल्द्वानी नगर निगम में अब बड़ा स्वरूप ले लिया है। ऐसे में यहां की सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना और निगम द्वारा शुरू की गई बैणी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक काम किया जाएगा। निगम के अंदर आने वाले प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कर शहर को स्मार्ट सिटी में डेवलप करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है, उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की ही जानी है और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी की है, यहाँ पर भी करेंगे और ये एक टीम वर्क है। सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। मैं अभी बता ही रहा था आप लोगों को, फिर से बता दूं कि सरकारी भूमि यदि बचेगी तभी आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र और भी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम सुख सुविधाएं आम जनमानस को दे पाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकारी भूमि को अतिक्रमण ना करें, हमारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी कि हम अतिक्रमण ना होने दें, आम जनमानस की जिम्मेदारी कि वो अतिक्रमण ना करें।